अभी हो रही है बारिश और मैं लूँगा लेफ्ट ताकि फ्लाईओवर के नीचे जाके थोड़ा बारिश से बच सकूँ, क्योंकि रेनकोट तो मैंने लिया नहीं था। लेफ्ट लेके अभी जाऊँगा फ्लाईओवर के नीचे और बूंदें मोटी होने लग गई हैं। आपको भी आवाज़ आ रही होगी शायद। ओहो राइट में तो कोई नहीं आ रहा है, चलो अंदर हो जाते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है, इधर मैं बच सकता हूँ बारिश से। ओहो सब्सक्राइब कीजिए कुणाल ब्लॉग्स चैनल को इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल एंड ट्रैवल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स अभी हूँ मैं लिमली कानपारा गांव में जो कि पड़ता है NH-47 पे और टाइम हो रहा है 3:30 शाम के। अभी मैं रुका हूँ एक टी ब्रेक के लिए और रेस्टोरेंट एक पेट्रोल पंप के बगल में है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर और टी स्टॉल भी है, बाकी चीज़ें जो हैं लंच ब्रेकफास्ट का वो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मेरा हेलमेट वहाँ पे रखा हुआ है, तो वहीं पे मैंने लिया एक टी और बाकी भी स्नैक्स अवेलेबल था यहाँ पे। फरसान नाम है इस सेक्शन का जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। मेरी बाइक बिल्कुल फिट है अभी तक और भाग रही है एकदम जितना मैं भगा रहा हूँ इसको। डिस्टेंस कवर हुआ है करीब 250 किलोमीटर, तो कम है एवरेज अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं रुकते रुकते आराम आराम से जा रहा हूँ, इसलिए कल खींचूँगा ज़्यादा और आज का टारगेट है लगभग 350 किलोमीटर, तो लगता है कि ईजिली कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आगे की तरफ जाना है NH-47 पे और शुगर एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट से निकलते हैं। तो चलते हैं NH-47 पर आगे की तरफ। और बात करूँ ड्राइविंग की, ड्राइविंग काफ़ी इजी है हाईवे पे, क्योंकि और ख़ास करके गुजरात में जब आप सिटी से बाहर निकल जाते हो तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहती है और ट्रैफिक ना रहने की वजह से ड्राइविंग काफ़ी ईजी हो जाती है। आप देख सकते हो कि 73 किलोमीटर पर आर तो मैं चल रहा हूँ और काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, कोई ज़्यादा गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है और आराम से ज़्यादा ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस लेफ्ट राइट देखते रहो मिरर में और चलते रहो आगे की तरफ। हाँ थोड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और वैसे भी हाईवे पर तो थोड़ा एक्टिव तो रहना ही पड़ता है। और ये है राजकोट अहमदाबाद हाईवे और ड्राइव करके आ रहा है मज़ा। और अच्छी चीज़ ये है कि बाइक भी है मस्त और चल रही है बिना वाइब्रेशन के। स्टेट हाईवे 8 पर हूँ मैं और गाड़ी चल चुकी है 300 किलोमीटर। वडोदरा की तरफ जा रहा हूँ अहमदाबाद को बाईपास करते हुए और मुंबई से नज़दीक होगा वडोदरा, कोशिश करूँगा रात में पहुँचने की लेकिन मुश्किल लग रहा है। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, टारगेट पूरा करने में आज का जो 350 किलोमीटर का टारगेट था उसमें 50 किलोमीटर बचे हुए हैं। और रोड अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, गाड़ी भी सपोर्ट कर रही है, तो कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक तो ले ही चुके थे पहले, इंजन को ठंडा करने के लिए 10 मिनट रुका यहाँ पे और फिर चलते हैं आगे। ये देखो रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं फिर स्टेट हाईवे 8 पे। अभी हूँ मैं वगोडरा वटामन रोड पे, ये भी SH-8 का एक पार्ट है और फिर से एक टी के लिए। फॉर्चुनेटली ये भी जगह बहुत ही अच्छी है, काफ़ी फॉर्चुनेट आज रहा हूँ मैं होटल्स के मामले में। और
ये होटल ऐसा है, इसका बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है गिरनार काठियावाड़ी करके नाम है इसका। जर्नी के बारे में जो बात हुई उसमें अब मैंने डिसाइड किया है कि सीधा जाके वडोदरा में ही रुकना है और वहीं पे होटल लेंगे। लगभग 300-350 किलोमीटर गाड़ी चली है और यहाँ से एटलीस्ट 70 किलोमीटर और होगा। और अभी टाइम हुआ है 6:15, सनलाइट दिख रही है। 1.5 घंटे की ड्राइव पे मैं पहुँच जाऊँगा वडोदरा और फिर कल के लिए थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो ठीक है, वडोदरा पहुँचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं और वहाँ होटल लेके होटल दिखाता हूँ कैसा होटल है। ऑल टुगेदर आज का दिन काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक और एनर्जी लेवल भी ठीक ठाक है। पानी पीते रह रहा हूँ मैं, इस वजह से अच्छे से कट रहा है टाइम। खाना कम खाया है, पानी ज़्यादा पिया है और अभी अभी फिर से एक चाय पी, तो अच्छा है। देखते हैं जगह भी। अभी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है बैग को और मेरा GoPro डिस्चार्ज हो गया पूरी तरीके से, मतलब SJ Cam जो हेलमेट माउंटेड कैमरा है तो उसको मैंने चार्ज में लगा के बैग में डाल दिया है पावर बैंक से। और अभी विदाउट हेलमेट माउंटेड कैमरा ड्राइव करूँगा। तो ठीक है, अभी होटल पर कुछ लोगों से बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे आगे क्या क्या चीज़ मिलेगा और मुझे बड़ौदा पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो जैसे ही मैं सिटी के आसपास पहुंचूंगा तो ट्रैफिक ज़्यादा हो सकती है और बारिश की अभी तो कोई संभावना नहीं लग रही है, लेकिन हो भी सकता है आगे। अभी वैसा कुछ वेदर फोरकास्ट में तो नहीं दिखा रहा है कि बारिश होने वाला है, लेकिन सिटी आने के बाद ट्रैफिक ज़रूर हो सकता है। वडोदरा आने में अभी बचा है 1 घंटे और, शाम के बज रहे हैं 7, ट्रैफिक थोड़ी बढ़ गई है और विजिबिलिटी भी थोड़ा डाउन हो रही है। रास्ते में ये मिला मुझे एक सूर्य मंदिर, देखने में अच्छा था इसलिए रुक के इसको कैप्चर करना ज़रूरी था। यह है एंट्रेंस और काफ़ी अट्रैक्टिव येलो कलर में पेंट किया हुआ है। तो अभी से 1 घंटे में मैं पहुँचूँगा लगभग 8 बजे वडोदरा और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। रास्ते में मुझे मिला है कि ये पुल और नदी है काफ़ी लंबी, हल्की बारिश भी हुई है पहले तो पुल पे ड्राइव करना रहता है मज़ेदार क्योंकि ये हिलती भी रहती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अगर दो गाड़ी को क्रॉस करना तो जगह है थोड़ा सा कम। वैसे ये वन वे ही रास्ता है, दूसरे के लिए राइट डायरेक्शन में है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से नीचे की तरफ देखने पे और रेनी सीजन होने की वजह से पानी भी काफ़ी है रिवर में। यहाँ पहुँचते बज गया रात के 9 और गूगल ने ऐसा घुमाया कि कुछ समझ नहीं आया। लास्टली NH 48 पे पहुँच गया हूँ मैं और जो सबसे पहला होटल मिला जैसा भी था मैंने उसको हायर कर लिया है। अच्छा तो नहीं है। हाय फ्रेंड्स, रूम पे मैं पहुँचा 9 बजे रात को, जबकि मेरा प्लान था कि मैं पहले पहुंचूं रूम पे, लेट ना हो, 8 बजे तक पहुंचूं ताकि रेस्ट करने का अच्छा टाइम मिले मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 बजे तक इसी तरह से मैं पहुंचा। तो हिकअप्स हुई कहाँ पे? जब मैं जामनगर से निकला वेदर काफ़ी अच्छा था, सपोर्टिव था, वहाँ से सीधा राजकोट तक आया, राजकोट से बाईपास लेके सिटी में एंटर नहीं होते हुए बाईपास लेके अहमदाबाद वाले रूट में आया। जब अहमदाबाद 60 किलोमीटर बचा था वहाँ से टर्न लेके NH 47 में आया और NH 47
के आने तक, जब तक मैं NH-47 में था, तब तक की जर्नी बहुत ही अच्छी रही और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। जिस भी रेस्टोरेंट पर मैं रुका वो रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था और रास्ता भी बिल्कुल ही ट्रैफिक लेस और रोड्स भी बिल्कुल अच्छे थे। उसके बाद NH-47 के बाद NH-228 में मुझे गूगल मैप ने एंटर करवाया, वो भी NH लगभग ठीक ठाक था, SH था वो लगभग ठीक ठाक था, और उससे पहले एक SH-8 में वो भी ठीक था। लेकिन जब SH-228 में एंटर हुआ मैं, उसके बाद गूगल जो है वो उससे उतर के और गांव के रास्ते से ले जाने लगा। जब मैंने रीचेक किया तो पता चल रहा है कि टू अवॉइड द ट्रैफिक ऑफ NH-48 यू आर बीइंग टेकन थ्रू डिफरेंट रूट। तो भाई साहब मैं चेक किया कि आगे और कितनी दूर ऐसे रूट पर मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या देखता हूँ कि करीब 30-40 किलोमीटर ऐसे ही गांव-गांव वाले सिंगल लेन वाले रास्ते पर जाना है। बट एनी हाउ, रास्ता जब पता नहीं होता है तो फॉलो करना ही पड़ता है गूगल को, और मैंने वही फॉलो किया। किसी तरीके से रात में 8:30 बजे जाके वो नेशनल हाईवे 48 पे लेके आया, और रास्ते की जो जर्नी थी वो काफ़ी डरावनी थी, बिल्कुल जंगल वाला रास्ता था। और NH-48 पे आया तो मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रखा था, मैं सोचा जो होटल मिलेगा वही बुक कर लूँगा और कुछ इधर उधर नहीं देखना है, कुछ घूमना फिरना नहीं या कोई बार्गेन नहीं करना है। तो सीधा सामने एक दिखा नॉर्मल सा, उसी को बुक कर लिया, चलो रेस्ट करना है, रात में किसी तरीके से रह जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि नीचे गया, खाना खा के अभी आ गया हूँ, फ्रेश हो गया। अब थोड़े बहुत वीडियो को सेपरेट कर लूँगा और जितने भी अपने गैजेट्स हैं उसको चार्ज कर लूँगा, उसके बाद सीधा मैं सो जाऊँगा। आज तो कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि कल सुबह मुझे अर्ली राइड पर निकलना है, और राइड पर निकलने से पहले रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 6 बजे तक एनी हाउ मैं बाइक स्टार्ट कर दूँ अपना, क्योंकि यहाँ से जो रूट है वो बिल्कुल NH-48 फॉलो करना है, बस 10 कदम पे है, और डायरेक्ट वो NH-48 जो है वो लेके कम से कम मुंबई तक तो जाएगा ही जाएगा, और इवन जो पुणे वाला रास्ता है उसमें भी लेके जाएगा। तो अब रूट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, NH से ही फॉलो करना है। लेकिन चूँकि अब मैं महाराष्ट्र में एंटर हो रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में एंटर होते ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और जो मेरा राइड है वो स्लो हो जाएगा कंपैरेटिवली। आज जबकि मैंने डेडिकेटली फ्रेश माइंड से राइड किया तो 400 किलोमीटर्स चला, और कल मुझे चलना है 550 किलोमीटर्स। सो नो रेस्ट फॉर टुमारो, अर्ली स्टार्ट, एंड एनी हाउ आई हैव टू रीच देयर अप टू 9:00 इन नाइट। सो बहुत कुछ करना है कल, देखते हैं। बाकी ब्लॉग अभी तो मैं अपलोड नहीं करूँगा, जब मुझे टाइम मिलेगा एडिट करने का उसके बाद एडिट करके अपलोड करूँगा। रास्ते में एक बार मेरा एक्शन कैम का बैटरी भी डाउन हो गया था, 1-2 घंटे के लिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फिर भी जैसा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बस यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करिए इनकरेज करने के लिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।